जो तमाम इकदामात हैं जो हमने किए हैं, इसकी इसका मौसर तरीके से इस्तेमाल अगर ना हुआ तो ये भी मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि एनसीओसी में हमें मुख्तलिफ इलाकों की अलग से इंफॉर्मेशन आ रही होती है, उनके अदाद व शुमार मुल्क भर के इकट्ठे अदाद व शुमार तो होते हैं, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर का फ़र्क और कहाँ वबा की क्या सूरत हाल है ये भी हमारे सामने होती है। ये भी पता होता है कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करने की जो कंप्लायंस है वो किस प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, वो भी चीज़ वाजे होती है। और आखिर में हमें उस शहर या उस इलाके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर जो दबाव है उसका अंदाज़ा भी होता है। तो इन तीन चीज़ों को मद्देनज़र रख के आइंदा के फैसले लिए जाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप NCOC के फैसलों को और इस सारे तरीक़ाकार पे अपना भरोसा रखें, क्योंकि इसमें खासी बारीकी और खासा डेटा और खासी इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर ये तजावीज़ सामने रखी जाती हैं। इसके अलावा हम हर रोज़ अपना जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, ताकि ये जो बढ़ती तादाद है कोविड के मरीजों की, इनके लिए प्रॉपर फैसिलिटीज़ मौजूद रहें। बहुत जिक्र ऑक्सीजन सप्लाई का होता रहा हमसाया मुल्क के मुश्किलात की पस मंज़र में, तो मैं समझता हूँ